हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जो कि ये क्वेश्चन काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स का है। अगर आप भी बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर आप बीएससी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और आपका एग्जाम है फिजिक्स का, तो ये फिजिक्स का सेकंड पेपर है काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, और इसमें हमने काइनेटिक थ्योरी का क्वेश्चन लिया है। तो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, आदर्श गैस की समतापीय संपीड्यता परिभाषित कीजिए। अगर आपका थ्योरेटिकल पेपर है तो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो, क्योंकि ये क्वेश्चन आप हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। यही क्वेश्चन इंग्लिश में डिफाइंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एन आइडियल गैस। तो दोस्तों, इसको हम आंसर जान लेते हैं। तो देख सकते हैं, यहाँ पर है आदर्श गैस की समतापी संपीड्यता किसे कहते हैं, या फिर आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एन आइडियल गैस। तो किसी गैस के दाब परिवर्तन के साथ आयतन में होने वाले परिवर्तन, यानी दाब परिवर्तन डेल्टा पी के साथ जो आयतन परिवर्तन होता है डेल्टा वी, उसे संपीड्यता कहलाता है। और यहाँ पर हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया है, समतापीय, मतलब यहाँ पर जो ताप है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब यदि आयतन परिवर्तन के दौरान ताप नियत रहता है, अगर ताप नियत रहता है तब उसे समतापीय संपीड्यता कहते हैं, अगर ताप नियत नहीं रहता है या ताप की कोई बात नहीं करते टेम्परेचर की, तो वहाँ पर संपीड्यता होती है। यानी किसी गैस के दाब परिवर्तन के साथ आयतन में परिवर्तन, यानी डेल्टा वी अपान डेल्टा पी, ये संपीड्यता है या फिर कंप्रेसिबिलिटी है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, अब यदि आयतन परिवर्तन दौरान ताप नियत रहता है तो संपीड्यता समतापी संपीड्यता रहती है। समतापी संपीड्यता तब होगी जब वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा या फिर ताप नियत रहेगा। और इसे निम्न प्रकार से भी दिया जा सकता है, जहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो कि है वो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी है, और यहाँ पर आप निगेटिव भी देख रहे होंगे, निगेटिव साइन, इसका मतलब होता है यहाँ ऋण चिन्ह यह प्रकट करता है कि समतापी स्थिति में दाब वृद्धि के साथ आयतन घट रहा है। यानी दाब में हम वृद्धि कर रहे हैं, दाब बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है या फिर जो आयतन है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये माइनस चिन्ह हमको यही बता रहा है यहाँ पर कि समतापी स्थिति में दाब वृद्धि के साथ आयतन घटता है। और यहाँ पर देखते हैं बायल का नियम, आपको जानते होंगे बायल लॉ, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो यहाँ पर पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या पी प्रोपोर्शनल टू वन अपान वी, और यहाँ से हम पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेंगे। ये बायल्स लॉ है, कांस्टेंट या फिर नीतांक। तो यहाँ पर बायल्स लॉ हमने ले लिया पी वी इक्वल टू नीतांक बायल के नियम से, और यहाँ पर हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर डी पी वी और यहाँ पर नीतांक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन करते हैं या फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो जीरो आता है। और फिर डी यहाँ पर पी वी है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन करेंगे इसको, तो फर्स्ट फंक्शन वी इंटू सेकेंड का अवकलन डी पी, प्लस सेकेंड फंक्शन पी इंटू फर्स्ट का अवकलन करेंगे डी वी, तो यहाँ से हो जाएगा वी डी पी प्लस पी डी वी इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला निकाला था, के इक्वल टू माइनस वन अपान वी डेल्टा वी अपान डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहाँ से हम डेल्टा वी अपान डेल्टा पी या फिर डी पी डी वी अपान डी पी वैल्यू यहाँ से रख देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्योंकि बायल्स लॉ एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, तो यहाँ से हम डेल्टा वी या फिर डी डी वी अपान डी पी निकालेंगे, डी वी अपान डी पी निकालेंगे, तो यह आ जाएगा माइनस वी अपान पी। तो यहाँ पर डेल्टा वी अपान डेल्टा पी कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि बायल्स का लॉ भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस वन अपान माइनस वी अपान पी, तो हो जाएगा के इक्वल टू माइनस वन अपान वी इंटू, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस वी अपान पी, और यहाँ से माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा के इक्वल टू हो जाएगा वन अपान पी, के चोट हो जाएगा माइनस वन अपान पी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऋण चिन्ह यह प्रकट करता है कि आयतन वृद्धि के साथ साथ दाब घटता है। एसआई प्रणाली में जो संपीड्यता या फिर कंप्रेसिबिलिटी की मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन है, और यहाँ पर देख सकते हैं जो के है उसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या फिर इसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप भी आपका भी थ्योरेटिकल एग्जाम्स है, चाहे आप बीएससी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और आपका एग्जाम है फिजिक्स सेकंड पेपर काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके आगे भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगर आपका थ्योरेटिकल पेपर है तो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा।